बात करूं अगर हाथ सूं की, तो मैंने अपने बाप को जब भी देखा है चल। बात करो अगर हाथ सूं की, तो मैंने अपने बाप को जाते देखा है। अल्फाज से आपको तो पता चल गया होगा आज फादर डे और फादर डे है और आज हो गया भाई आज। तो मैंने कहा चलो ये फीलिंग वो के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, पर शायद देखने होंगे तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे मतलब न्यूज़ आ रही थी कि फादर डे किसी को आ रहा है, तो मैंने कहा चलो अबू तो जिंदा नहीं है लेकिन मेरे बच्चों के वाले जो हैं वो तो माशाल्लाह भी आ रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप अपने बाबा के लिए जो है कोई कार्ड प्रिपेयर करें बाबा को विश करने के लिए। कल मैंने उनको बताया तो वो बहुत एक्साइटेड हुए, जाइना तो फिर स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कार्ड बनाने में, जाइना ज़्यादा मदद रखती है और उसके मेरे को साथ साथ गाइड करती है। तो ये मेरे हाथ में आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहा है, ये जाइना ने बनाया और आजकल वो खुद ही ड्राइंग वगैरह कर रही है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो करती रहती है, चीज़ें अप्लाई करती रहती है, कभी शाइनर कभी कुछ। और हैप्पी फादर डे आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जुहैर का कार्ड भी इधर ही था लेकिन जुहैर का कार्ड थोड़ा सा फनी था और अंदर लिखा हुआ जी है Happy Father's Day, I love you father so much, God bless you। तो सुबह मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसके बाबा वो करने जाते हैं एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो मैंने कहा जाइना बाबा आएंगे तो आपने बाबा को विश करना, तो जाइना ने आते ही बाबा को विश किया जब कि जुगे बजाय इसके कि बाबा को विश करें, तो एक फनी सीन उसने ये भी किया कि सुबह उठते ही मेरे गले में बाहें डाल के अस्सलाम वालेकुम करके मुझे कहता है कि हैप्पी फादर डे। मैंने कहा बाबा बेटा ये आज बाबा का दिन है, मामा का दिन नहीं, आपको बाबा को विश करना चाहिए। तो मुझे हंसी भी बड़ी आई लेकिन वो छोटा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाल्लाह ताला सीख जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो आगे जा के अपने बाबा को खुद इस तरह से विश किया करेगा कि उसको मामा की गाइडलाइन या आपा की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेटा इंशाल्लाह ताला साबित होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक अच्छे बेटे रहे हैं और वो अपने बेटे को भी ऐसे गाइड कर रहे हैं। रही बात बाप की, तो मेरे अब्बू जो थे वो, अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दूँ कि दुनिया के लिए वो बड़े एक स्ट्रिक्ट फादर लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा वो एक अच्छे बाप रहे हैं और रोल मॉडल भी हैं। और बहुत सी चीज़ों में मैं अब्बू की जो चीज़ें हैं उनको आगे मैं लेके चल रही हूँ। सबसे जो अहम उनकी पर्सनैलिटी में जो टॉप पॉइंट उनकी गुड पर्सनैलिटी में पॉइंट था वो ये था कि वो लोगों के जब झगड़े वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते थे तो उसको सॉर्ट आउट करवाते थे हमेशा, और लोग अभी तक उनकी डेथ हो गई और वो चीज़ें याद करते हैं और हमारे सामने मतलब हमें बताते हैं कई चीज़ें, तो हम कई मामला तो हमें पता ही नहीं है, लोग आके हमें बताते हैं कि आपके अब्बू ने मामला जो है वो सॉर्ट आउट करवाया था, हमारी बेटी का था या हमारे ग्रुप मेंबर का था या हमारे बेटे का था। तो वो चीज़ लेके मैं आगे चल रही हूँ अब्बू की डेथ के बाद, मतलब मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बाबा की जो अच्छी जो पॉइंट्स हैं जो अच्छी आदात हैं उनको फॉलो किया करें, ये चीज़ें आगे औलाद की सूरत में वर्षे की सूरत में हमारी आगे जो है वो कंटिन्यू करें। तो रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरी जो बेटी है उसने अपने बाबा से ये चीज़ सीखी है कि वो झूठ बहुत कम बोलती है, क्योंकि मेरे उसमें झूठ भी बोलते हैं और जो मेरा भी छोटा है वो फॉलो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो भी इंशाल्लाह ताला सीख लेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटी सी काविश थी, इसके अंदर जिस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट अभी किया है वो छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों को कार्ड तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और मज़ीद अगर कुछ मोमेंट्स हुए तो मैं इस वीडियो के अंदर डालूँगी। और बाप एक ऐसा, अब हम ये कहेंगे कि बाप एक ऐसा साया है जो सारी ज़िंदगी आपको अपने साए के नीचे लेके चलता है और अपना
चला भी जाए लेकिन आप उसके साए में हमेशा आगे आगे चलते जाते हैं अगर आप अपने बाप को अच्छे पॉइंट से अच्छे तरीके से फॉलो करें। और जिन लोगों के बाप नहीं है, वालदैन नहीं है, तो मेरी उन लोगों के साथ वैसी फीलिंग है जो इस वक्त मेरी है, लेकिन जिन लोगों के वालद हयात हैं, काइंडली आप अपने बाप को वो दर्जा या उनकी जो उस वक्त आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए या उनके साए के नीचे रह के चलना चाहिए, आपको उस चीज़ों से आप लोग फ़ायदा उठाएं। ये रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं, माँ और बाप का रिश्ता ऐसा है जिसका कोई नहीं मिल सकता। ये तभी है जब तक जिंदा है, आप जिन जिन के पेरेंट्स जिंदा हैं उनकी शफ़क़त को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समझें। और हैप्पी फादर डे अब